भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के सभी 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हड़ताल शुरू हो गई है। मेडिकल कॉलेजों में डीन और अधीक्षकों के साथ डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारियों की तैनाती का प्रस्ताव कैबिनेट में आने की जानकारी मिलने के बाद मेडिकल टीचर्स ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया है। मध्य प्रदेश डॉक्टर शिक्षक एसोसिएशन का कहना है कि प्रशासकों की नियुक्ति से छात्र और मरीजों को नुकसान होगा, इसके लिए डॉक्टर ही व्यवस्थित तरीके से काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के फैसले का इंतजार किया जाएगा, यदि सरकार ने इस प्रस्ताव को लागू किया तो हड़ताल जारी रहेगी। हम लोग वो होते हैं जो हम हमारे समाज को अच्छे डॉक्टर्स प्रोड्यूस करके देते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग पेरेंट्स हैं, और अपने बच्चों की देखभाल जितना अच्छा कोई पेरेंट कर सकता है उतना कोई और नहीं कर सकता है। हम डॉक्टर्स बनते हैं अपनी 10 साल की कड़ी मेहनत और पढ़ाई के बाद में। जो क्रीमी लेयर होती है, यानी जो सबसे इंटेलिजेंट और इफिशियंट पीपल होते हैं, वो यहाँ आके डॉक्टर बनते हैं। सालों से हमारे विभाग को हमारे डीन चलाते आ रहे हैं, जो कि हमारे ही फैकल्टी होते हैं, हमारे ही फील्ड के होते हैं। ऑलरेडी हमारे पास में सीएमई है, हमारे पास में कमिश्नर्स है, फिर एक और व्यक्ति को इस बीच में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम शासन से यही अनुरोध करते हैं कि कृपया वो ये बिल को ना लाए, यही समाज और हमारे मरीजों के भी हित में होगा। हम मरीजों का हित कभी नहीं चाहते हैं, चाहे वो कोरोना काल हो या हमारी सर्विसेज, हमने कभी भी अब पीछे नहीं हटे हैं। हम यही अनुरोध करते हैं कि कृपया इस बिल को ना लाया जाए।